हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का जो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है आपके ड्रीम कंपनी में आया है जो कि एसेंचर है, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। इस बार डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें आप में से एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है वो प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी आई हैं, वो अलग वैकेंसीज है, वो भी आपको बता दूंगी किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इंडिया की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, सीधा इनके ऑफिशियल साइट पर मैं आपको दिखाऊंगी। 10,000+ वैकेंसीज आई हुई है। अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वैकेंसीज के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, हर चीज़ को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कौन सी पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और ख़ास तौर पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जो इनका अप्लाई करने का पोर्टल है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुली अप्लाई कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपकी इससे लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज अनलिमिटेड है, कहीं भी नहीं जाना, आपके नियर बाय ही इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, हर चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। सो आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे अपने अकॉर्डिंग चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं और गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे एसेंचर की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। एसेंचर के बारे में आप सारे अवेयर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है और काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं आप में से जिनकी ये ड्रीम कंपनी है। तो एसेंचर में आपको इसमें हायरिंग की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए पहले हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, कैसे आपको इसमें वैकेंसीज वाइज अप्लाई करना है, कैसे आपको इसमें लोकेशन वाइज अप्लाई करना है, कैसे आपको अलग अलग पोस्ट वाइज फिल्टर भी लगाकर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से आप सारी वैकेंसीज को खुद से सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो जाननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका पहला लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करना, नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक्स टू अप्लाई। पहला लिंक आपको मिल जाता है एसेंचर की रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे आप लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज आई है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड आपको फिल्टर वाइज लिंक मिल जाएगा, लेकिन हम पहले लिंक पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पर डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे आपने क्लिक किया, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट जो वैकेंसीज है 10,227 है जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। बाद में वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अब वैकेंसीज जब मैं वीडियो बना रही हूँ 10,227 है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है एसेंचर की तरफ से इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है। अब यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो काफ़ी टाइप की आप देख पा रहे हैं, एसोसिएट डिजिटल मार्केटिंग की है, न्यू एसोसिएट इनसाइट सेल्स के लिए वैकेंसीज भी आई हुई है, जो नॉन सेल्स बैकग्राउंड से है या नॉन सेल्स में जाना जाते हैं उनके लिए एसोसिएट की वैकेंसीज आई हुई है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें कुछ वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट की आ जाती है, लेकिन फ्रेशर्स की कैसे सर्च करें वो भी बताती हूँ आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन काउंसिल सीनियर मैनेजर की है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है एक्सपीरियंस के लिए है। एप्लीकेशन डेवलपर की वैकेंसीज आउट की है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एनालिस्ट की वैकेंसीज है। इसके अलावा सेम वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए आउट हुई है। उसके बाद एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग के लिए आउट हुई है, ये भी अलग अलग लोकेशन वाइज 3 से 4
सेम आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी एचआर ऑपरेशंस के लिए। इसी तरीके से आप सेकंड पेज पे जाके अलग वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएट इंश्योरेंस की वैकेंसीज भी है, बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज कैसे आपको सर्च करनी होगी। तो आपको फ्रेशर्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे सर्च जॉब सेट एसेंशियल लिखा हुआ ना, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू एसोसिएट। जैसे ही आप न्यू एसोसिएट लिखेंगे यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि 231 वैकेंसीज है इस पोजीशन के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यू एसोसिएट इंश्योरेंस के लिए। ये वाले जो पोस्ट है ना, इसमें अप्लाई आपको ज़रूर करना है। एंट्री लेवल की प्रोफाइल है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको अभी दिखाई रही हूँ। न्यू एसोसिएट इंश्योरेंस की है, आप देख पा रहे होंगे सारी वैकेंसीज यही है। ये सारी वैकेंसीज यही का मतलब ये है कि ये अलग अलग लोकेशन वाइज है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप सेकेंड पेज पे जाके वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, सेम वैकेंसीज हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन वाइज, ठीक है। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये अलग अलग लोकेशन वाइज है, तो ये देख लेते हैं कौन सी लोकेशन के लिए। ये गुरुग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने मेंशन किया, 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस है 1 साल तक का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 0 मीन्स एज अ फ्रेशर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से आपका इसमें वर्क रहने वाला है, किस तरीके से वर्क करना होगा। तो इसमें मेन जो आपका वर्क रहेगा एज एन एसोसिएट आपका वर्क रहेगा, मतलब क्लाइंट की जो क्वेरीज है उसको आपको बस रिजॉल्व करना होगा। अब अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, लास्ट में देखिए ये ऑप्शन मिल जाते हैं अप्लाई नाउ के, और ऊपर जैसे शो मोर पर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ डिस्क्राइब किया, असेंचर कब से एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके अलावा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है, हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अब लास्ट में आपको ये अप्लाई नाउ के ऑप्शन मिलते हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, थोड़ा वेट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरफेस ओपन हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ। स्टार्ट और कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे अप्लाई के लिए क्या करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन हो जाना है। बट आप लॉगिन कैसे करोगे अगर आपने पहले अपने आप को रजिस्टर किया हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आपको साइन इन की ऑप्शन भी मिलती है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है, ईमेल आईडी मेंशन करके यहाँ पे क्लिक करने सेंड वेरिफिकेशन कोड पर। वेरिफिकेशन कोड एसेंचर की तरफ से आपको आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, उसके बाद आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करना होगा, कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी, आप अपनी कंट्री यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब बस आपको जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आई थी ना, यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके आप लॉगिन हो जाओगे। अब बस आपको अप्लाई करना है, अपना नेम मेंशन करना है, फुल नेम आपको मेंशन करना है जो कि आपका डॉक्यूमेंटेड नेम हो, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, कहाँ से पास आउट किया, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको लास्ट में अपना एक रिज्यूमे अपलोड करके सबमिट कर देना है। इसी तरह से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा आप लोकेशन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज कैसे सर्च कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे ये वैकेंसीज ऐसे आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट की आपको ऑप्शन मिल जाती है, मोस्ट रिसेंट की ऑप्शन मिल जाती है, मोस्ट रेलिवेंट की ऑप्शन मिल जाती है, और लोकेशन की मिल जाती है। अपनी लोकेशन आप टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड भी वैकेंसीज आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। सो मैंने आपको जैसे बताया अलग अलग पोजिशन के लिए ये अपडेट आया हुआ है, जिस भी पोजिशन के लिए आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है अप्लाई के लिए ज़रूर आपको करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट किया है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल और अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए न्यू एसोसिएट की वैकेंसीज ही आई हुई है, तो उसमें तो आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको अदर वैकेंसीज बताई हैं उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, वैकेंसी इस बार बहुत सारी है। इसके अलावा इन वैकेंसीज के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप में हैं तो आप अप्लाई करना। अगर सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी भी आपकी इसमें 28,000 तक तो होगी ही, प्लस अदर बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं। बाकी आपका कोई भी इसमें डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।